आयकर कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहा, जिसके संबंध में आयकर विभाग के सहायक जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह हड़ताल सरकार की नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बताया कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और विभाग में रिक्त पद है उसे भरने की मांग की जा रही है, तथा जो कर्मचारी विभाग में 15 से 20 साल से सेवा दे रहे हैं उनकी नियमितीकरण की मांग की जा रही है। इस अवसर पर अध्यक्ष कमलावती यादव, कोषाध्यक्ष रवि गुप्ता, अनुप श्रीवास्तव, निशार अहमद, रामधनी पासवान, अंजलि विकास, राजू सहित आयकर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयकर विभाग के सहायक जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता ने कहा, उस समय हमारे कोरोना वीर जो है एकदम जान की बाजी लगाकर पूरे देशवासियों की सेवा कर रहे थे। तो आम पब्लिक के बीच में ये प्रचारित करना होगा कि हम सरकारी कर्मचारी और जो भी लोक सेवक हैं, हम लोग उनके लिए विलेन नहीं है, हम लोग उनका नुकसान नहीं। पहले तो आपको अगर मान लीजिए 2-4 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, ट्रेन आने में लेट है तो आप स्टेशन पे बैठ के आप प्रतीक्षा कर सकते थे, क्यों? क्योंकि वो सरकारी संपत्ति थी। लेकिन साथियों ये सब हम लोग के लिए मंथन का विषय है और हम ही केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, आम जनमानस के लिए भी ये मंथन का विषय है। जिनको ये लगता है कि निजीकरण बहुत अच्छी चीज है, इससे देश का बहुत ज्यादा विकास होगा, अरे अगर निजीकरण इतनी ही अच्छी चीज थी तो जब 1990-91 में पूरा देश, पूरा विश्व मंदी की अवस्था से गुजर रहा था, घोर मंदी उस समय छाई हुई थी साथियों, एकदम लग रहा था कि अर्थव्यवस्था एकदम चौपट ही हो जाएगी और देश एकदम दिवालिया घोषित हो जाएगा। उस समय मनमोहन जी ने, जो उस समय शायद वित्त मंत्री थे, तो उनकी ही जो है देन थी कि उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाया गया कि नहीं भाई ठीक है, जैसे जैसे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को मिला के जो है आप मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाइए, उससे जो है तो धीरे धीरे हमारे देश को उभरने में कम से कम 4-6 साल लग गए, तब जाके हम लोग उस मंदी की अवस्था से उभर पाए। इतना ही अगर अच्छा था तो इंदिरा जी ने 1971 में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, किस लिए किया था भाई? उनको लगा था कि नहीं ठीक है, अब सरकारी जो सेक्टर है उसकी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव कैसे नहीं करता है कि अगर मान लीजिए चाहे आप गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो, ठीक है आपने एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई हुए, आप आके नौकरी ज्वाइन कीजिए। लेकिन साथियों निजीकरण में क्या है, निजीकरण तो एकदम घनघोर आप में एकदम एक रेखा खींच देता है, अमीर और गरीब की बीच की खाई को एकदम बढ़ाता चला जाता है। ठीक है भाई निजीकरण होगा, नौकरियां तो सृजित होगी, ठीक है बिना वैकेंसी के काम तो चलेगा नहीं, लेकिन साथियों पता लगा कि जो एक नवयुवक जो सिंपल BA BST किया हुआ लड़का है वो एक MBA MTech किए हुए हाई एजुकेटेड लड़के के सामने कैसे टिक पाएगा? शैलेंद्र गुप्ता, सहायक जोनल सचिव गोरखपुर। ये हड़ताल सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल 2 दिन चल रहा है, आज दूसरा दिन है। इसमें सरकार जिस तरह से किसानों, मजदूरों, छात्रों और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जिस तरह से दमनकारी नीतियां ला रही हैं, आज उसके लिए हम लोग पूरे लामबद्ध होकर के आज हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हम लोग की प्रमुख मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल करो। दरअसल पुरानी पेंशन एक बुढ़ापे की जो हमारी चादर थी, एक बुढ़ापे की एक लाठी थी, जो हमारा एक सहारा था, आज उसको हमसे छीना जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जनवरी 2020 से जून 21 तक का जो हमारा 18 माह का DA फ्रीज किया गया है, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और विभाग में तमाम सारे पद खाली पड़े हुए हैं, उसके भरने की हम लोग मांग कर रहे हैं। और हमारे जो साथी डेली वेजेज और जो कॉन्टीजेंसी है, 15-20 साल से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके नियमितीकरण की हम लोग मांग कर रहे हैं।